एक बार फिर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मुंबई में नेवी रिटायर अफसर की पिटाई के 6 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जमानत मिलने से लोगों में गुस्सा है। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कांदीवली पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीड़ित अभी भी अस्पताल में है, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो जमानत लेकर खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का आरोप है कि इन आरोपियों पर ऐसी धारा लगानी चाहिए थी जिनसे इन्हें जमानत नहीं मिल सके। वहीं शिव सैनिकों की पिटाई से बुरी तरह से घायल हुए नेवी अधिकारी की बेटी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गंभीर मामला है, अगर ये लोग ऐसे ही छूट जाएंगे तो किसी को भी मार डालेंगे। दरअसल नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की बुरी तरह से पिटाई करने के आरोप में इन 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर सभी को जमानत मिल गई। सभी 6 आरोपी शिवसेना से जुड़े हैं। आरोप है कि शिवसेना से जुड़े होने की वजह से पुलिस ने हल्की धारा लगाई, इसलिए इन्हें आसानी से जमानत मिल गई। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने अपनी सोसाइटी के सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक टैटू साझा किया था, जिसमें ठाकरे को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़े दिखाया गया था, जिसको लेकर शिव सैनिकों ने कांदीवली के पूर्व शर्मा पर धावा बोल दिया। सोसाइटी के एक सीसीटीवी क्लिप में हमलावरों को शर्मा का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। हमलावर शर्मा के शर्ट की कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जा रहे हैं और उन्हें पीट रहे हैं। वहीं सोसाइटी के सुरक्षाकर्मी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा की आंखों में चोट आने की वजह से वो लाल और सूज गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।